नमस्कार, मैं निजू, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं। बगल में जो शख्स हैं, गरम मसाला यानी कि यही लेके आए हैं, मिक्सी भी यही लेके आया हूं, गरम मसाला पिसवा भी यही रहे, लेकिन पहले चैनल का सर पे स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद जी, और आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद जो इस गाने को और जो हमारी बातें अभी होने वाली है वो सुन सके और इस गाने को सपोर्ट और प्यार दे सके। सबसे पहले तो सर सवाल यही है, गरम मसाला काला काला। हाँ जी, तो पंच लाइन आपने बहुत सॉलिड पकड़ा है। अच्छा, और ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ वायरल हो या ना हो कि हमारा काला तोर काला कैसे पिसाई गरम मसाला। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक जो गाना होता है वो अमर होता है हमेशा। वो गाना जो अच्छा गाना है वो हमेशा अमर रहता है, टाइमलेस रहता है। तो ये जो गाना था, आज से 40 साल पहले एक मूवी आई थी गुलामी, उसमें ज़िहाल मिस्किन जो गाना था उस टाइम भी सुपर हिट था, और आज इसकी कॉम्पोजिशन इतनी प्यारी है कि अगर आज भी हमने कोशिश यही की है कि जो उस गाना उस टाइम भी इतना सुपर हिट था, अगर आज भोजपुरी जो हमारे दर्शक है उनके लिए अगर इसको उनके मिजाज से उनके तड़के के हिसाब से बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। और ये आइडिया हमारे साथ शेयर किया था विजय चौहान जी ने। उन्होंने पूरा, जैसे उन्होंने बताया कि वो एक दिन खाना खा रहे थे, फिर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना ज़िहाल मिस्किन के साथ मिक्सी वर्ड मिलता है तो उसके साथ कुछ चटपटी चीज़ की जाए, और इसलिए हम इंडिया गॉसिप के चैनल पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरा भी काम भी है कि मैं न्यूज़ को थोड़ा सा चटपटे अंदाज में फ्लो कर देता हूँ। तो बताइए, गर्म मसाला का जब स्वाद आ गया तो गरम मसाला का जो छौका मारने के लिए कल्लू जी को काहे ले लिए जी? अच्छा, कल्लू जी को लेने के पीछे एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न था। हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि जिस तरह का गाना हो उस गाने के लिए एक चेहरा आपके दिमाग में आ जाता है उस गाने को सुनते ही। तो वो सबसे पहला चेहरा जो हमारे दिमाग में है, क्योंकि कल्लू जी का अंदाज थोड़ा वैसा ही है, वो थोड़े से मस्ती में रहते हैं, मज़े करते रहते हैं, और हमें लगा था कि वीडियो में ये काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। प्लस उनकी जो वोकल टेक्सचर है, जो उनकी आवाज़ है, वो इस गाने के हिसाब से हमें लग रहा था कि काफ़ी अच्छा। और जब हमने उनसे डमी करवाई तो सब लोगों को कन्विक्शन हो गई कि ये ही आर्टिस्ट है जो इस गाने को निभा सकते हैं। प्लस हम चाहते हैं कि ये 40 साल पुराना गाना जो हमारी आज की जनरेशन है वो सुन सके, और आज की जनरेशन के साथ मेरे ख्याल से जिस तरह से कल्लू जी कनेक्ट करते हैं वो लाजवाब है। जिस तरह से कैमरा में उनकी प्रेजेंस है, जिस तरह से वो गाने में मस्ती करते हुए आपको दिख रहे हैं, वो काफ़ी लाजवाब है। तो कल्लू जी का तो गाने माना बनता था। लेकिन सवाल फिर यहाँ से आता, क्योंकि बैकहेंड में आपका पास म्यूजिक का स्टोर है। हाँ जी, इतना स्टोर है कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसी के बैकहेंड में ऐसा और कौन कौन सी चीज़ें रखी पड़ी है कि उसको थोड़ा उसमें नया छौका डाल के फिर से रिक्रिएशन किया जाए, क्योंकि वायरल है तो जाहिर सी बात है वायरल ही कंटेंट लेके आएगी। तो इस तरीके की क्या तैयारी है बैकहेंड पे? देखो, हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो गाने हैं, हमारे बॉलीवुड से निकले गाने कह लीजिए या फिर जो हमारे पुराने हिंदी गाने हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा वजन है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए, काफ़ी अच्छे तरीके से कंपोज किए गए। बट कहीं ना कहीं जो हमारी जनरेशन है, अगर आप देखें पिछले 20-30 साल वाले जो भी यंगस्टर्स हैं, उन लोगों को शायद उन गानों के बारे में नहीं पता है। जो एक हमारे पास खजाना है जो शायद लोग उससे कहीं ना कहीं 200 के जो गाने उस टाइम ऑल टाइम हिट है। हाँ, वो लाजवाब गाने, अगर आप 70-80-90 के आसपास जाए तो लाजवाब गाने, वो इतने अच्छे गाने हैं कि आप जो ये वाली वंचित रह गई है जनरेशन, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो गाने उन तक पहुंचने चाहिए। बट हमने कोशिश ये किया कि हम रीमिक्स नहीं करेंगे। रीमिक्स एक अलग चीज़ है, रिक्रिएशन मतलब आप पूरे गाने को फिर से बनाते हैं, जो उसका भाव है, जो उसका कॉम्पोजिशन है, हम उसको एज इट इज़ रखते हैं, बट उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर लेते हैं। ज़िहाल मिस्किन थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला गाना था, बट यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हमने जो अपनी मिक्सी को यूज़ किया है, अपने गर्म मसाले को यूज़ किया है, तो थोड़ा चटपटा अंदाज देने की कोशिश की है गाने में। लेकिन एक सवाल और फिर आता है कि यहाँ से जैसे इस तरीके से आपने ये जो सारी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? मतलब ये तो हो गया। हाँ जी, इवेंट, इस तरीके का इवेंट करा रहे हैं। हाँ, तो इवेंट से क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में फ़ायदा होता है? मतलब ये गाने जैसे आप कर रहे हैं तो इवेंट से क्या लग रहा है कि ऑडियंस का रिटेंशन बढ़ता है भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुरी में इवेंट होते नहीं हैं ऑलमोस्ट? अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी पूरी जनरेशन ही ना, जब से मोबाइल फ़ोन आया, हमने हर एक चीज़ मोबाइल के ऊपर ही करना स्टार्ट कर दिया है। हम मूवीज़ भी अब थिएटर जाना बंद कर चुके हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, गाने भी अगर हम देख रहे हैं तो यहीं पे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो जो टच होता है, फिजिकल टच होता है, वो मिसिंग हो रहा है। और देखो, आर्टिस्ट किस लिए काम करता है? आर्टिस्ट काम करता है अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी मीडिया के लिए, और अपनी बात, अपनी कला को बाकी लोगों तक पहुँचाने के लिए। मेरे ख्याल से जो सबसे बढ़िया माध्यम होता है, जो रियल टाइम होता है, जिसमें कि आपको फीडबैक इंस्टेंट मिलता है, आप एक गाना लॉन्च करते हो, यूट्यूब पे आपको कमेंट्स देखने को मिलते हैं, बट जैसे हमने आज यहाँ पर आप मीडिया वालों के लिए गाना लॉन्च किया, हमें इंस्टेंट रिएक्शन समझ में आया। जब आप सारे लोग झूमे उस पर, जब आप लोगों ने तारीफ़ की उसकी, जब आपने उस गाने को अप्रिशिएट किया, तो ये जो चीज़ मिसिंग है ये आपको फिजिकली ही एक रियल इवेंट पर ही पता चलती है, और रियल टाइम ही पता चलती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद कहीं ना कहीं मोबाइल और अपना जो हम वर्चुअल लाइफ ज़्यादा जी रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं कम हो रही है। कोशिश करेंगे कि अपने गानों को एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए
मीडिया के जो हमारे मित्र हैं उन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के इवेंट हम करते रहे। वायरल ने अभी इंटरव्यू के दौरान कहा जब इवेंट हो रहा था कि भाई अगर जिसको अच्छा लगेगा ये जो इस पे रील्स बनाएगा तो हम उसको मौका भी देंगे, तो किस तरीके से थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए कि भाई ये मौका किस तरीके का, फीचरिंग की बात की जा रही है तो किस तरीके की होगी? देखिए हर एक लेबल जो होता है कहीं ना कहीं हर एक लेबल की एक डिमांड होती है कि सुपरस्टार्स के साथ तो आप काम कर ही रहे हो बट उन नए लड़कों का क्या, उन नए टैलेंट का क्या, उन लड़कियों का क्या जिनके अंदर काफ़ी कला भरी हुई है। कोई अच्छा सिंगर हो सकता है, कोई अच्छा राइटर हो सकता है, कोई सॉन्ग राइटर हो सकता है, कुछ एक्टर भी हो सकते हैं। तो अगर आज की बात हम करें तो आज के ज़माने में सारे यंगस्टर्स कहाँ पर हैं? रील्स पे। वो क्या देख रहे हैं? रील्स। और रील्स पे या तो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं या फिर किसी ना किसी तरह से अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। तो यस, अगर हमें लगता है कि आप ने काफ़ी अच्छा काम किया है, आपकी रील्स काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुई, आपकी मेहनत सबको दिख रही है, हमें मतलब हमारे अलावा बाकी ऑडियंस को भी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मौका वहाँ पर है कि आप हमारे वायरल भोजपुरी के किसी भी अपकमिंग सॉन्ग में आप मेल या फीमेल एज ए मॉडल भी फीचर कर सकते हैं। कनेक्ट कैसे होगा? मतलब ठीक है, मैंने रील्स बना लिया, मैं ही सवाल कर रहा हूँ, मैंने बना लिया, मैं आपके पास कनेक्ट कैसे करूँ? हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो हर रोज़ जितनी भी रीलें बनती है जिसका अच्छा ट्रैफिक आ रहा होता है, जो लोगों को अच्छी लग रही होती है। देखो एल्गोरिथम बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है। आप एक अच्छा कंटेंट बनाओगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, बट एल्गोरिथम की वजह से उस कंटेंट को रीच मिल जाती है, वो अच्छा कंटेंट जो होगा तो हमें पता चल जाता है कि ऐसी कौन सी रील्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम उन्हें डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं, आवरली बेसिस पे ट्रैक करते हैं, और जहाँ पर हमें दिखेगा डेडिकेशन के साथ कि हाँ इस इंसान में इसमें वो टैलेंट है जो शायद बाकी से काफ़ी अलग है और इसको वो चांस मिलना ज़रूरी है, तो हम खुद उनको अप्रोच करेंगे। हम उनको डीएम के माध्यम से, आज की डेट में तो जितने भी डीएम आप कर सकते हो, काफ़ी लोग अपनी ईमेल एड्रेस छोड़ देते हैं, तो हम उनके साथ उस तरह से कॉन्टैक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके साथ कुछ नई चीज़ लेकर आ सके। तो भाई सिंपल सी बात है, वायरल के साथ कनेक्ट होना है ना, तो पता है ना आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर वीडियो बनाओ और डीएम कर लो। मोस्ट वायरल सवाल,